सबके प्रणाम नमस्कार। हम प्रकाश अकेला बिल्डर वर्क पापा और अभी हम हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पास। और देखिए हमारे बिहार में जलवा बरकरार है और हमारे नेताजी रथ लेके चल दिए हैं। अब देखिए रथ रुकेगी नहीं, अब ये रथ जो कुर्सी में बैठे हैं और बहुत जल्दी सर अब मुख्यमंत्री के सीट पर हम बैठना देखना चाहते हैं। जरूर जरूर, तुम लोगों का प्यार, सभी माता बहन का आशीर्वाद सभी को रहा तो निश्चित तौर पे निषाद का बेटा भी उस जगह पे पहुंच सकता है जिस जगह पे बाकी लोग पहुंचते हैं। सिर्फ जरूरी है हम लोग संघर्ष करें, अपने वोट का ताकत को समझे, वोट को अपने सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाए और निश्चित तौर पर हम लोग संघर्ष करेंगे तो उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। और सभी लोगों ने संघर्ष करके पहुँचा, आज हम भी संघर्ष करके इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, इतने अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये संघर्ष के बदौलत ही है। मुंबई जैसे शहर में संघर्ष किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, आज अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जो है से मतलब फिल्मी दुनिया से थे, बॉलीवुड से। हाँ, फिल्मी दुनिया से थे और अभी भी नाता है, ये बम्बई से ही बन के आया रथ जी। और अपने लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन अभी फिल्म से हम थोड़ा बाहर निकल गए हैं, अभी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक लैला तीन छैला पिक्चर भी बनवाए थे और तो प्रोड्यूसर का भी काम किए थे लेकिन अभी फिलहाल तो पूरा टोटल पॉलिटिक्स में है। और एक बार यहाँ पे भी हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो आप जैसे लोगों को हीरो बनाएंगे बम्बई में। हम हीरो बन सकते हैं सरकारिया है। अरे क्यों नहीं, जब निरहुआ खेसारी लाल हीरो बन सकता तुम क्यों नहीं बनोगे। तो देखिए अब बहुत अच्छा रथ निकल चुका है हमारे पूरे बिहार के संकल्प यात्रा में, आप देख सकते हैं कि जैसे डोले नदी बीचे पानी में नैया, वैसे ही मंत्री बना हूँ बड़ी मुकेश सहनी के भैया। हम गाना भी गाए हैं और आप सब को बता दें कि नाव जो पहले के जमाना में पार करते थे नदी में, नाव सहारा था। आज जिस नाव से रामचंद्र जी पार लगे थे जी, हमारे पूर्वज ही उनको नाव पार लगाए थे और वही नाव की सवारी लेके हम लोग निकले हैं। निश्चित तौर पे अपनी नाव अपना मंजिल तक हम लोग पहुँचाएंगे। और पुराने चीज काम देता है और सर का चुनाव चिन्ह नाव छाप है। और ये चाहते हैं कि नेता बन करके जो समाज पीछे हैं, जिनके पास कम शिक्षा है, वो सब आगे आएं, आगे बढ़ें। और खास करके ये तो जातिवाद नहीं है लेकिन खास करके निषाद समाज को जगाने वाले सबसे पहला नेता हमारे माननीय वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं। और बहुत लोग आने लगे हैं आगे सर, बहुत आने लगे हैं सर, बहुत जल्दी समाज में जागरूक हो गया है। कल तक सोचते नहीं था कि उजला कुर्ता पजामा पहने लेकिन आज समाज में बहुत सैकड़ों लोग ऐसे हैं, दर्ज लोग गांव में हैं जो कुर्ता पजामा पहन के अपने समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं और नेतृत्व कर भी रहे हैं। आज उसी के दम पे आज बिहार में या देश में आज वीआईपी पार्टी निषाद समाज का एक अपना पहचान बन चुका है और हम उम्मीद करते आने वाला समय में जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब आशीर्वाद देते रहिए और वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाइए। जय हो।